ड्रामों में रोमांस हमें नजर आता है वो शरीफ सर रोमांस, थोड़ा सा टेढ़ा था, थोड़ा सा टेढ़ा। मोबाइल फोन है उसकी केसिंग के पीछे गेती प्रिंसेस लिखा होता था, तो मैं हैरान था कि अच्छा इतनी तैयारी से। Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia. You're watching me on Fuchsia Magazine. जब भी कोई ड्रामा आता है जिसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, सास बहू की कहानी नहीं है और साजिशें कुछ कम हैं, तो एकदम से वो ड्रामा हमारी अटेंशन पकड़ लेता है। लापता भी एक ऐसा ही ड्रामा है, था कहना चाहिए मुझे, टिकटॉक से लेके फीमेल बैडमिंटन प्लेयर, डोमेस्टिक वायलेंस, वो लोग जो जेल में पड़े रहते हैं उनका कुछ पता नहीं चलता घर वालों को, कितने सब्जेक्ट्स को इस ड्रामे ने टच किया। तो मैं तो बहुत क्यूरियस थी कि ये कौन है इसके पीछे जिनका ये आइडिया है और जिन्होंने इसको क्रिएट किया है और डायरेक्ट किया है। तो आज मेरे साथ हैं राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ लापता खिजर इदरीस, और हम उनसे कुछ बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम खिजर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ये बताएं कि कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा, हाउ डू यू फील लापता की सक्सेस के बाद? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि खुद लिख भी रहा था तो मुझे ये डर था कि ये ना हो कि ये बिल्कुल गुम हो जाए, क्योंकि बाज़ुकात होता है कोई सीरियल चला लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, तो मैं उस चीज़ से था कि ये ना हो जाए कि पहला ही प्रोजेक्ट है, डायरेक्शन भी है और पहली दफ़ा लिख भी रहा हूँ, तो ये है कि अच्छा रिस्पॉन्स आया और अभी तक जो है वो, बल्कि मुझे लग रहा है कि शायद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर रिस्पॉन्स आया। बट इतना ज़्यादा, मतलब काफ़ी बेहतर है, मैं तो कह रही हूँ। मीम्स बन रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, आपकी हर एपिसोड के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं, बट इतना सोचा था कि इस हद तक जाएगा, ये इतना मशहूर हो जाएगा या लोग उसको इतना देखे, इतनी कॉन्वर्सेशंस हो रही होंगी? नहीं, ऑनेस्टली इतना तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी बातचीत होगी। अगेन वही मुझे था कि बस हाँ लोग देखें, पसंद करें, ठीक है, बट इतनी एक्चुअल जो इस पर डिस्कशंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, तो ये तो मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था। और अगेन आई एम थैंकफुल लोगों का कि जिन्होंने पसंद किया, अदरवाइज़ पता ही है इतने सारे ड्रामाज आ रहे हैं, ये भी कहीं उनमें गुम हो जाता तो मैं क्या करता। चलिए थोड़ा सा हम अपने ऑडियंस को आपके बारे में भी बताते हैं। सो वील स्टार्ट विद के अपने बारे में बताइए कि कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, क्या किया हुआ है और इस इंडस्ट्री में कैसे आया? स्टार्ट जो हुआ बिल्कुल ये नहीं, बल्कि ये हुआ ये था कि बैक इन 2002 काफ़ी सारे ना पाकिस्तानी बैंड्स आए, सिंगर्स आए थे, एकदम से ना म्यूज़िक बनना शुरू हुआ था पाकिस्तान में। उन ज़माने में जो ना इनकी बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ आया करती थी। ओके, तो वो जब मैं देखता था मुझे शौक चढ़ा, मैं कि म्यूज़िक वीडियोस बनानी है मुझे। अच्छा, तो वहाँ से ये सारा शुरू हुआ मामला। मैं तब FSC प्री इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरा साइंस से दूर दूर तक कोई नहीं था, मैथ्स तो यानी वो तो ना ही पूछें, जो बचपन से हाल था मेरा मैथ्स का। तो मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे कोई इंजीनियरिंग की साइड पर नहीं जाना, मुझे जो है म्यूज़िक वीडियोज़ बनानी है। हुआ फिर खैर ये कि इतफाक़ ऐसा कि NCA ने स्टार्ट किए कोर्सेज फिल्म और टेलीविज़न प्रोडक्शन के। ओके, तो उसमें मेरा फिर एडमिशन हुआ और वहाँ से फिर फिल्म डिग्री लेके 2010 में वहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया। और अगेन आई वाज लकी के सरमद खुसर जो हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई एक जगह, एंड देन फिर आफ्टर एन ईयर ही कॉल्ड के मैं एक सीरियल कर रहा हूँ और तुम SDOP करोगे, और मेरा वही था कि मैंने तो कभी सीएल किया नहीं SDOP, एंड ही सेड कि मैं हूँ, मैं करूँगा तुम्हारे साथ, चलो करते हैं। तो वो अटेम्प्ट थी पहली, अश्क नाम था उसका सीएल का। ओके, और ये है कि उसके बाद फिर शहरजाद किया, उसके बाद फिर मंटो किया। तो ये है कि बैक टू बैक सरमद के साथ मेरे ख़्याल से 2 साल तो मैंने काम किया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें सीखीं। सो यू डिड मंटो, शहजाद एंड अश्क, आपने उनके साथ किया? अश्क था, फिर मोर महल था। बीच में कुछ बनी थी टेलीफिल्म्स, जो पाकिस्तानी जो पुरानी फिल्म्स थी उनको दोबारा से बनाया गया था, तो उसमें भी फिर एक थी फिल्म अरमान वगैरह जो बनी थी। जी जी, आप जी, उसमें भी थे? ओ, उसमें फैसल कुरैशी और सबा कमर की थी, जो नदीम साहब और उनकी थी शबनम की, तो वो मुझे दिल से ना बुलाना, वो वाला गाना ना? नाम नहीं याद आ रहा मुझे मूवी का इस वक्त, सॉरी, लेकिन गाना मुझे याद है। यस, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स सरमद के साथ हुए, देन फिर आई वॉज लकी कि महरीन जब्बार का भी प्रोजेक्ट था, रिहाई, वो हुआ।
सैफी हसन के साथ, संगी मरमर हुआ, आंगन था एहतशाम भाई के साथ। तो ये था कि ज़ाहिर मैं इसको खुशकिस्मती कहूँगा कि इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ प्रोजेक्ट्स हो। शुरू से ही आपको बड़ी अच्छी एक प्लेइंग फील्ड मिल गई थी। तो बस वो चलता रहा। देन फिर आफ्टर आंगन मुझे था कि अब मैं डायरेक्शन की तरफ स्विच करूँ, मुझे ऐसा लगा कि आई शुड डू इट प्रॉब्ली। तो फिर वहाँ से जो है ये सारे मेरी एक मीटिंग हुई मोमिन अब्दुर्रेज साहिबा के साथ, एंड आई सेड कि मैं डायरेक्शन की तरफ आना चाह रहा हूँ। तो शी सेड ठीक है, बिल्कुल सही है, करो, बिल्कुल करो। तो वहाँ से ये सब शुरू हुआ। अच्छा, फिर हुआ ये कि इन लोगों ने मुझे काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स दिए कि देखो इसमें से कौन सा पसंद आता है। पहला पढ़ा, मुझे नहीं कुछ समझ आया। फिर मैंने दूसरा पढ़ा, मुझे नहीं समझ आया। तो सॉरी, मैं काटूं, लेकिन क्यों समझ नहीं आ रहे थे? क्या था उसमें जो आपको लग रहा था? मतलब तो आपको ऑफर हो रही है, आप कह रहे हैं मुझे डायरेक्शन करनी, वो स्क्रिप्ट्स भेज रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं नहीं, तो क्या चीज़ उसमें मिसिंग लग रही थी आपको? असल में वही मेरा ख्याल है, मेरे मिजाज के शायद नहीं थे जिस तरह की ड्रामा, सास बहू वाले ड्रामे होंगे, सास बहू वाले थे। वैसे आप सोच लें, अभी आप बोल रहे हैं इसके बाद हम आपसे कोई सास बहू वाले ड्रामा नहीं देख सकते। खिजर इदरीस का नाम ना लिखा हुआ है, सोच लें लिखा हुआ है, क्योंकि अब मेरी तो हो गई है, आपका नाम आएगा तो मुझे पता होगा कि इसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, सोच लें। नहीं, वो डिस्क्लेमर दे दें, कभी कभी मैं शायद कर लूँ, कभी गन पॉइंट पे कराएगा तो मैं कर लूंगा। ओके, आई लाइक द ब्रेवरी, आई एम इंप्रेस्ड। यस, दैट्स द एटीट्यूड, आई थिंक वी नीड पीपल लाइक यू इन आवर इंडस्ट्री। नहीं, असल में बल्कि वही चक्कर है कि जो स्क्रिप्ट्स थे कुछ के, ये होता है कि टॉपिक्स बड़े अच्छे होते हैं, बट वो लिखने में कहीं ना गड़बड़ हो जाती है। तो मेरे ख्याल से कोई 5-6 स्क्रिप्ट थे, एंड आई सेड नो, मुझे नहीं समझ आ रहे। तो इन्होंने कहा कि भाई यही स्क्रिप्ट्स होते हैं, बनते हैं और चल रहे हैं। इत्तेफाक ऐसा कि उस वक्त ना फिर लॉकडाउन लग गया, ये 2020 में मार्च का जो लॉकडाउन, अच्छा घर पे बैठे हुए हैं, करने को कुछ नहीं है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि अच्छा, जो अगर मुझे स्क्रिप्ट नहीं समझ आ रहे तो लेट मी ट्राई कि मैं एक लिख के देखता हूँ। एक बहुत ही हमारे ज़बरदस्त राइटर हैं मुस्तफ़ा अफरीदी, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है और उस दोस्ती का मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। मैंने आंगन पे भी वो थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बैठ के ना एक स्टोरी उनके साथ बनाई थी। वो फिर चेंज होती 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 समवट इस शक्ल में आ गई थी जो अब लापता में है। तो मैंने फिर मुस्तफ़ा को फ़ोन किया कि भाई मेरे वो जो स्टोरी थी, अब मैं उस पर स्क्रिप्ट लिखने की अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो आप ना ज़रा मुझे गाइड करते रहना। उसका ठीक है। तो फिर पहले स्टोरी को दोबारा एक दफ़ा फ़ाइनल किया मुस्तफ़ा के साथ, एंड देन फिर मैंने पहला एपिसोड लिखा। उसमें काफ़ी चेंजेस करवाए मुस्तफ़ा ने कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे जो गेती का कैरेक्टर है, ये टिकटॉक स्टार, पहले ड्राफ्ट में नहीं था। इसी तरह थी बट टिकटॉक नहीं थी, तो वहाँ वो भी एक मुस्तफ़ा का था आइडिया कि इसको ज़रा करो। तो वो जब टिकटॉक स्टार बनी, मैंने कहा अच्छा फिर फलक को हम क्या करें। फिर बैडमिंटन प्लेयर बनाया फलक को, कि ये नहीं हो सकता कि अगर वो एक इस तरह से है तो ये भी हमारी। तो खैर यूँ करते करते पहला एपिसोड 2-3 जब उसके ड्राफ्ट लिख लिए, देन फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर तो वो मुस्तफ़ा की गाइडेंस में मैं लिखता रहा। और मेरा ये ख्याल था कि 6-8 एपिसोड मैं लिख लूँगा, उसके बाद मेरा ख्याल है मैं, क्योंकि मैंने राइटिंग तो कभी की नहीं थी। लेकिन आई डोंट नो कैसे जो है वो थोड़ा 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 करके, बीच में ये है कि एक आधा प्रोजेक्ट भी आ गया, मैं एस डी ओ पी वो भी शूट कर रहा था, देन फिर वहाँ से वापस आया तो जितना स्क्रिप्ट था। तो करते कराते ऑलमोस्ट कोई 10 महीने मुझे लग गए इसको लिखने में। कभी कभी होता था कि एकदम से सारी, मिसाल के तौर पे जो दानियाल का जो फ्लैशबैक है पूरा पहली बीवी के साथ, वो एकदम से दिमाग में सारा आ गया और मैंने लिख लिया। कभी कभार मैं फंस जाता था कि अच्छा अब ये सीन कैसे मैं इसके आगे स्टोरी चलाऊँ, तो वो कभी कभी ब्लॉक भी आ जाता था। तो खैर करते कराते ये कोई 8-10 महीने में जाके फिर स्क्रिप्ट कम्प्लीट हुआ और फिर इनको मैंने दिया कि जी ये रहे, ये मैं बनाऊंगा। तो डर लग रहा था जब दे रहे थे कि पता नहीं, अब इन लोगों को तो इतनी आदत है एक खास किस्म का स्क्रिप्ट देखने की, दिस इज़ वेरी डिफरेंट, तो क्या होगा? उम्मीद थी इसके पीछे एक इतनी लंबी
और कहानी है, दर्दनाक कहानी है। दर्दनाक तो सुननी पड़ेगी फिर। हुआ असल में ये था कि असल में वही बात है कि जब स्क्रिप्ट्स जो पहले इन्होंने दिए, वो जो मैं कह रहा था कि मिजाज मुझे लगा कि मेरा नहीं है, मैं कैसे एक्टर को कन्विंस करूँगा जब मुझे खुद ही इस चीज़ के ऊपर है। तो लापता में वही मिसाल के तौर पे मुझे लगता था कि यार सीरियल्स जो है ना काफ़ी ड्रैग कर जाते हैं, शुरू की कुछ एपिसोड्स हैपनिंग होती हैं, देन फिर एंड की कुछ एपिसोड्स में कुछ हो रहा होता है। तो लापता का मुझे था कि हर 5 एपिसोड बाद कहानी थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो वो चीज़ें थी, कैरेक्टर्स जो थे वो इतने सबमिसिव ना हो, ब्लैक एंड वाइट ना हो, ज़्यादा जोर मेरा था कि ग्रे कैरेक्टर्स हों। तो यानी जो चीज़ें मैं देखना चाहता था शायद वही फिर मैंने इसमें लिख दी। तो जब कंप्लीट हुआ स्क्रिप्ट और मैंने इनको दिया, तो महेश भाई हमारे महेश भाई को मैंने स्क्रिप्ट दिया कि जी ये स्क्रिप्ट मैंने करना है। उन्होंने कहा बस ठीक है, मैं इस पर कास्टिंग शुरू करता हूँ। हुआ ये कि 2-3 एक्टर्स को गया स्क्रिप्ट और दोनों तीनों ने मना कर दिया कि हमें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया। तो वो आपकी चॉइस के एक्टर्स थे या महेश ने सजेस्ट किए थे? मेरी चॉइस के एक्टर्स थे, महेश का भी था कि हाँ ये बिल्कुल सही लगेंगे। तो हुआ फिर ये कि जब वो दोनों तीनों ने मना कर दिया, तो महेश ने फिर ज़ाहिर है 1-2 और एक्टर्स को भेजा, उन्होंने भी मना कर दिया। ओह गॉड, ओके। तो महेश ने कहा यार ये कैसा स्क्रिप्ट है कि 4-5 एक्टर्स एक साथ उन्होंने मना कर दिया। तो वैसे तो मैंने उसको कहानी सुनाई हुई थी, बट जो डिटेल स्क्रिप्ट है तो फिर महेश ने इन हाउस कुछ लोगों को दिया कि ज़रा पढ़ के इस पर अपनी राय, उनके रेड सिग्नल्स ऑन हुए कि अच्छा ये तो इतनी ये क्या कुछ है इसमें। हाँ फिर तो खैर जब जिनसे भी फीडबैक लिया गया तो उनका भी फीडबैक ज़रा था कि नहीं ये जो है ना कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो फिर हुआ ये कि इसको बंद कर दिया गया, लापता को कि ये स्क्रिप्ट पे नहीं होगा। तो मुझे कहा कि हम आपको एक और कोई स्क्रिप्ट दे देते हैं, वो करो। अब जाहिर है वो पहली अटेम्प्ट थी, तो बंदे को तो होता है ना कि ये तो होगा बनेगा सब। तो मुझे भी पहले जब जाहिर है एक्ट्रेस ने इनकार किया तब भी मुझे हुआ कि अच्छा, और फिर इन्होंने कहा कि नहीं वो ना कोई और स्क्रिप्ट करते हैं, इसको फ़िलहाल नहीं, इस पर हम दोबारा काम करेंगे अभी नहीं। तो वो फिर यानी देखें, क्योंकि मैंने राइटिंग कभी नहीं की थी, तो वो कॉन्फिडेंस जो होते हैं ना, आज जो आपको पता होता है कि जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है, वो शायद कॉन्फिडेंस उस वक्त नहीं था। मुझे था कि अच्छा एक्टर्स भी मना कर रहे हैं और जिनसे ओपिनियन लिया गया उन्होंने भी मना किया, तो मे बी मैं इसको नहीं समझ रहा बट इसमें कुछ गड़बड़ होगी। तो वो थोड़ा सा मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई और स्क्रिप्ट देखते हैं। फिर ये कहानी कहीं इधर ही ना ख़त्म हो गई। अच्छा हुआ फिर ये कि मेरा एक और प्रोजेक्ट आ गया SDOP, मैं वो करने चला गया। तो आफ्टर मेरे ख्याल से कोई 3-4 मंथ्स दोबारा फिर हम हुआ कि मैंने कहा कि अच्छा चलो देखते हैं स्क्रिप्ट क्या करना है। तो 1-2 स्क्रिप्ट मैं पढ़ रहा था इनके, और इत्तफाक ऐसा कि यहाँ पे MD प्रोडक्शंस में जो चीफ एडिटर हैं इनके काशिफ भाई, वो किसी दिन ऑफिस में घूम रहे थे, उनको कहीं ये लापता का स्क्रिप्ट रखा हुआ मिल गया। उन्होंने वैसे ही ना पढ़ना शुरू कर दिया कि अच्छा इसमें क्या है क्या नहीं। तो उनको अच्छा लगा, वो महेश के पास गए कि ये क्यों नहीं बना रहे। तो महेश ने कहा भाई एक्टर्स मना कर रहे हैं, इस पर नहीं राज़ी हो रहे, प्लस 1-2 लोग और भी जिन्होंने पढ़ा वो कह रहे हैं कि इसमें ना कुछ ऐसा है नहीं कि आप इसको बनाएं। काशिफ भाई ने कहा नहीं नहीं इसको आप अटैम्प्ट करें, ये देखें इसमें ये है वो है। महेश ने कहा अच्छा। तो फिर जो है वहाँ से दोबारा लापता पे वापस आए कि अच्छा जी इसको फिर बनाया। आपको कॉल आई? फिर कॉल आई मुझे महेश की कि यार हम कर रहे हैं लापता कर रहे हैं और हम कास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कहा चलो यार अच्छी बात है। ये कास्टिंग दोबारा स्टार्ट हुई, दोबारा रिजेक्शंस, थर्ड राउंड ऑफ रिजेक्शंस। जितने एक्ट्रेसेस हैं सब ने मना कर दिया, 1-2 जो शम्स का रोल है उसके लिए गए, उन लड़कों ने मना कर दिया। ये जो राउंड था ये ज़रा लंबा ही चला, काफ़ी रिजेक्शन हुए। तो जब इतने सारे रिजेक्शन हुए तो मैंने फिर एक दिन महेश को फ़ोन किया कि यार मेरा ख्याल है कि जो कह रहे हैं कि ये नहीं बनना चाहिए वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इतने ज़्यादा एक्टर्स आपके मना कर दें। तो महेश ने मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है उस दिन मुझे इसने कहा कि नहीं नहीं जो ये एक्टर्स अभी मना कर रहे हैं लेकिन एक दिन आएगा कि तुम्हारे साथ काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह, तो तुम दिल छोटा ना करो, मैं कर रहा हूँ, मैं लगा हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ।
अगले ही दिन मुझे दोबारा महेश का फ़ोन आया कि गेती का कैरेक्टर आयजा करना चाह रही है। वाओ, मैंने कहा हैं अच्छा यस हाँ। तो मैंने कहा लेकिन वो इस तरह का कैरेक्टर है और उसकी एंडिंग ये है, तो ये आयजा को बता दो कि अगर उसको लग रहा है कि वो उस तरह का कैरेक्टर है, वो नहीं, वो इस तरह का कैरेक्टर है और एंडिंग भी उसकी इस तरह से है। तो फिर महेश ने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। फिर कोई 10-15 मिनट बाद फ़ोन आया, तो उसने कहा कि आयजा कह रही है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे कैरेक्टर बहुत अपीलिंग लग रहा है, मुझे यही करना है, बताओ क्या करें। मैंने कहा अच्छा जब वो कह रही है तो फिर मुझे कहता था मैं ही बोलूं भाई हाँ नहीं की और पूछ। तो वो उस दिन फिर फाइनली आयजा पहला वो थी जो कास्ट हो गई। उस दिन उम्मीद की किरण थोड़ी उम्मीद की किरण और मैं आई थिंक जाग तो गई थी सर और ब्राइट हो गई। मैं बड़ी जो है ना उस दिन वो दिन था मैं सुकून की नींद सोया था कि चलो भाई एक जो है एक्टर हो गया जाहिर है। एंड इफ आयजा का नाम आ गया है तो वो दूसरों को भी कन्विंस करने में बिल्कुल इट्स नेचुरल प्रोसेस। अगेन 2-4 दिन बाद महेश का दोबारा फोन आया कि भाई वो सारा को तुम ना स्टोरी सुना दो, सारा से मेरी बात हो गई है, वो कह रही है स्टोरी क्या है मुझे। तो मैंने कहा मैं ठीक है मैं सुना देता हूँ, लेकिन फिर मुझे वो जो रिजेक्शन इतने हुए थे मैंने कहा यार सुना तो मैं दूंगा लेकिन फिर डर गया आप। फिर हाँ मैं डर गया था। मैंने फिर सारा को सुनाई स्टोरी, सारा ने कहा कि तो अच्छी है डिफरेंट है तो ठीक है मैं बिल्कुल करूँगी। मैं कहा अच्छा चलो ये भी अच्छा हो गया, एक तरफ आयजा हो गई एक तरफ सारा हो गई। देन फिर अली का हुआ कि जी महेश ने कहा कि अली जो है ना उसको हम शम्स करते हैं, तो वो वही बात है कि जो उस जिस किस्म का कैरेक्टर था तो एक सेकंड के लिए तो मैंने सोचा कि अच्छा अली उसमें फिट बैठता है या नहीं बैठता, बट देन फिर अली से मैं मिला भी एंड देन जब हमने डिस्कशन की लुक्स की भी और फिर प्लस वो शम्स कैसे बिहेव करता है कैसे रहते हैं, तो देन हमें हो गया कि अली भी जो है सेट हो गया। तो यूँ शम्स अली गेती जो है वो आयजा एंड फलक जो है वो सारा फाइनलाइज हुए और फाइनली फिर जाके शूट स्टार्ट हुआ। अभी दानियाल जो है वो कास्ट नहीं हुआ था, दानियाल के लिए गोहर को गया था स्क्रिप्ट एंड गोहर सेड नो। यस गोहर हमें कहानी सुना चुके हैं लेकिन आप वो कह रहे हैं आपने गोहर का सोच के लिखा था। गोहर मेरे दिमाग में था बिल्कुल था। अच्छा एक चीज़ जो बहुत ही अजीब और गरीब है कि ड्रामास पाकिस्तानी ड्रामास में ज़रा अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं देखता। आई नो ये मेरी गलती है बट मैं तो ये कह रही हूँ पाकिस्तानी ड्रामे के ही डायरेक्टर हैं आप और DOP रह चुके हैं और फिल्म में भी काम कर चुके हैं पाकिस्तानी फिल्म में। असल में मेरे ख्याल से वो ना एक मेरे दिमाग में एक डर सा बैठा हुआ है कि मैं वही चीज़ ना बनानी शुरू कर दूँ जो मैं देख रहा हूँ। सोच रही थी कि यू डोंट वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड मतलब हाँ यू वांट कि एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू रहे आपका। तो मुझे नहीं पता था कि गोहर जो है वो इस तरह के नेगेटिव रोल्स कर चुका है पहले, तो मेरे दिमाग में था कि गोहर बड़ा इसमें अच्छा लगेगा और ये वो, तो वो लिखा एंड देन फिर गोहर को जब स्क्रिप्ट गया उसने कहा नहीं, अच्छा चलो ठीक है नहीं लेट्स सी अब कौन और मिलता है। फिर दोबारा काफ़ी लोगों को स्क्रिप्ट गया, सब ने कहा नहीं, अच्छा जी। उसके बाद फिर मैंने महेश से कहा, मैंने कहा गोहर से दोबारा बात कर लो, दोबारा बात हुई, दोबारा गोहर ने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर दोबारा बाकी लोगों को स्क्रिप्ट गया, दानियाल का कैरेक्टर यानी मेरे ख्याल से 8-10 लोग होंगे एक्टर्स होंगे जिन्होंने मना कर दिया कि दानियाल का कैरेक्टर हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ये शुरू हो गई वही कहानी फिर वही। आपने ही नहीं सोचा मैं कर लेता हूँ? नहीं नहीं ये ख्याल कहीं से भी नहीं आया? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। और यानी एक पॉइंट आया था कि जो कैरेक्टर में फिट भी नहीं हो रहे थे उनको भी भेजा कि भाई आ जाओ कर लो, उन्होंने भी कहा नहीं। तो फिर तीसरी दफ़ा जो है आई डोंट नो कैसे किया लेकिन महेश का एक दिन फ़ोन आ गया कि गोहर कर रहा है उससे डिस्कशन कर लो सारी। और तो देन फिर गोहर से बात हुई एंड तो यूं जो है रिजेक्शन पे रिजेक्शन के बाद ये ड्रामा फाइनली आई एम जस्ट अमेज्ड। यूजुअली ऐसा होता है कि जब राइटर्स डायरेक्टर्स हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस ने स्क्रिप्ट मना कर दिया, वो घूम घूम के फिर किसी के पास आने जाता है। ये पहली बार मैं सुन रही हूँ कि इतने एक्टर्स ने रिजेक्शन किया और प्रोडक्शन हाउस कह रहा था बना लो भाई। सो चले eventually तो बन गया, अल्लाह का शुक्र है, एंड वी गॉट टू सी सम गुड कंटेंट।
ये इंस्पिरेशन क्या थी इस कहानी की आपके आपके दिमाग में? अच्छा, कहानी जो स्टार्ट हुई थी ना असल में वो तो कहीं और से हुई थी, बिल्कुल ही एक डिफरेंट कहानी थी, वो ये नहीं थी. लेकिन ज़ाहिर है वो मुस्तफ़ा के साथ जब डिस्कशन हुई तो मुस्तफ़ा के पास एक्सपीरियंस है इतना ज़बरदस्त राइटिंग का, तो ही सेड कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कल्चर हमारा ऐसा नहीं है, इसको निकालो, उसको चेंज करो. तो करते 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 ये शक्ल निकली. मुझे ये था कि अगेन वही बात है कि जो कैरेक्टर्स, जिस किस्म की स्टोरी मैं देखना चाहता हूँ, मुझे था कि मैं वैसी ही लिखूँ ताकि एटलीस्ट वो मेरा तो एक अपना स्टाइल हो. अब चूँकि क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो है पिछले 10-15 सालों में बहुत बदल गई है, इंटरनेशनली अगर आप देखें बहुत बदल गई है, वो उस तरह की नहीं रही. जो ज़ाहिर है अगर आप अमेरिका की बात करें तो उनका तो टेलीविज़न जो इस वक्त वो पीक पे है, वो कहते हैं कि इस वक्त हमारी फिल्म से ज़्यादा टेलीविज़न हमारे इस वक्त आ गया है. लेकिन अगर आप इस रीजन में भी आ जाएँ तो इंडिया के अंदर OTTs आ गए हैं और इतनी उनकी यानी वेब सीरीज़ आ गई हैं और बहुत ज़बरदस्त आ गई हैं. तो अब ज़ाहिर है कि फिर हमारा भी दिल कहता है कि ऐसी चीज़ हम भी बनाएं. बिल्कुल. और जो हमें पता है हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे अभी तक ज़ाहिर है OTTs नहीं हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री लगी हुई है किसी ना किसी तरह, कुछ ना कुछ आगे आने सर्वाइव कर रही है. तो ड्रामा एक वाहिद इस वक्त प्लेटफॉर्म है जिधर आप बना सकते हैं इस किस्म की चीज़. तो मुझे ये था कि फिर जिस किस्म की स्टोरी टेलिंग जो है हो रही है बाहर हो रही है, या वेब सीरीज़ जिस तरह से लोग बना रहे हैं, तो उससे उस तरह की कोई चीज़ फिर हम ड्रामे की शक्ल में बना लें. तो इस वजह से जो लापता का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो इस तरह का नहीं है जैसे एक सीरियल का होता है. Okay. एक शुरू में कुछ हुआ, मसला खड़ा हुआ, एंड देन पे उसका एक कंक्लूजन आखिर में निकला. शुरू के एपिसोड्स में हमने ज़ाहिर है ये इन तीनों का कैरेक्टर इस्टेब्लिश किया, देन फिर पांचवें एपिसोड में गायब हो जाता है शम्स. वहाँ से फिर कहानी चेंज हुई, दानियाल आ जाता है. 10वें एपिसोड में इनकी शादी हो जाती है, वहाँ से वो वापस आ जाता है. 15वें में, 16वें में फिर दानियाल गायब हो जाता है. तो इस तरह से हर 5 एपिसोड बाद मुझे था टर्न ले रहे हैं ताकि आपका जो व्यूअर है स्ट्रेट रास्ता नहीं है, आपने टर्न करके करे. लापता नाम क्यों है? अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है. शम्स लापता हुआ था, वो तो वापस आ गया ना. नहीं, वापस ज़रूर आया, लेकिन जो जब वो लापता हुआ था तो वो जो पीछे से यानी ट्रिगर हुई थी चीज़ें कह लें कि फलक जो है वो इंतज़ार करती रही, एंड देन फिर उसको प्रेशराइज करके उसकी शादी करा दी गई. तो वहाँ से फिर सारा चेंज आया. शायद कोई फिलोसॉफिकल रीज़न होगा इसके पीछे. नहीं नहीं, मैं सीधा साधा आदमी हूँ बस. कोई आप हेलो अभी आपने ड्रामे में स्टोरी को इतना टर्न ले रहे हैं, सीधा रास्ता ले रहे हैं आप कह रहे हैं. तो लापता में इतनी चीज़ें. ओके, इफ़ यू लुक एट द ड्रामा फ्रॉम एडिट, फ्रॉम कैमरा एंगल, ऑल दीज यू नो OST को जिस तरीके से आपने यूज़ किया है, एक ही जैसा सीन था जब शादी हो रही होती है जिस वक्त उसकी शम्स और गीती की, तो पहले आपने गीती को दिखाया, फिर शम्स को दिखाया, फिर फलक को दिखाया, तीनों को, यू नो आई रियली लाइक द वे जब वो गैम्बलिंग का सीन भी था उसमें जिस तरीके से आप कैमरा मूव कर रहे हैं, बड़ा एक्साइटिंग वो तरीका था. सो हमें नज़र आ रहा था कि आप बहुत डिफरेंट टाइप से कैमरा एंगल्स और इन सब के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और डिफरेंट एंगल लेकर आ रहे हैं. तो ये आपके जहन में खुद आ रही होती थी चीज़ें, या ये आपने चीज़ें देखी भी हैं जो जमा होती जा रही थी जहन में और फिर आपने अब उनको एग्जीक्यूट किया? ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली किया, बट इंस्पिरेशन ली हुई थी आपने जगहों से. व्हाट वाज द प्रोसेस? वो जो मैं उस वक्त कह रहा था ना कि मैं ज़रा पाकिस्तानी ड्रामे कम ही देखता हूँ या अवॉइड करता हूँ, तो वो मेरे ख्याल है वो यही होता है ना कि कोई चीज़ आप देख रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं आपको. तो अब जो मेरा होता है वो ये होता है कि वेब सीरीज़ ज़ाहिर है देखता हूँ, जो मूवीज़ हैं वो देखता हूँ, तो वो जो चीज़ है वो कहीं पीछे दिमाग में जमा हो रही होती है. वो आपको याद नहीं होता लेकिन वो आपने कहीं देखा हुआ होता है, वो फिर कहीं. तो ये इसमें भी मेरे ख्याल से वो यही हुआ कि वो जो इतने सालों से मैं और चीज़ें देख रहा था, कॉन्टेंट देख रहा था, तो वो जो है वो जमा हुआ हुआ था कहीं पीछे, और वो फिर जब हम शूट कर रहे थे तो वो सब सामने आ रहा था. क्योंकि अगेन वही बात है, जो ड्रामास होते हैं उसमें जो कैमरा है वो मोस्टली स्टैटिक होता है, एंड देन कोई
अब जैसे एस डी ओ पी भी जब मैं कर रहा था तो मेरी कोशिश ये होती थी कि अब वो भी अगेन जो बाहर डी ओ पीज़ काम करते हैं, ये चीज़ मैंने उनके इंटरव्यूज़ में देखी कि जी आप कैमरे के थ्रू कैसे स्टोरी सुनाएंगे। बल्कि जो बड़े ज़बरदस्त हैं रॉजर डीकन्स, वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो उनका तो एक इंटरव्यू था एंड ही सेड कि अगर देखने वाले का, व्यूअर का ध्यान आपकी लाइट पे जा रहा है कि लाइट अच्छी है, लाइट बड़ी अच्छी है, तो यू हैव फेल्ड, क्योंकि लाइट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए था स्टोरी को, व्यूअर का ध्यान लाइट पे नहीं जाना चाहिए था। तो इस तरह से उनके था कि भाई कैमरा किस तरह से मूव करना चाहिए कि आप एक शॉट को एक्सप्लेन करें कि इसका मतलब क्या है। तो एस डी ओ पी कभी कभी जब मुझे मार्जिन मिलता था तो मैं वो करता था कि अच्छा ये इस तरह का कैरेक्टर फील करे तो कैमरा ज़रा सा मूव करे या कुछ भी। तो वही सारी चीज़ें फिर यहाँ पे अब चूँकि एज डायरेक्टर कर रहा था, तो क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि जब आप किसी और डायरेक्टर साथ काम कर रहे हैं वो अपना ज़ाहरा सोच रहा है कि मैं एक्टर को ऐसे प्लेस करूँगा और कैमरा यहाँ पे हो गए वो, लेकिन जब आप डायरेक्ट भी खुद ही कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर आपके पास मार्जिन है, आप कैमरा कैसे करना है और ब्लॉकिंग या प्लेस कैसे करना है एक्टर्स को। तो वो फिर एक्सपेरिमेंट्स किए फिर मैंने कि अच्छा मुझे लगता है इसको हम कर सकते हैं। प्रोडक्शन हाउस इज़ ओके विद इट? प्रोडक्शन हाउस कहीं वो नहीं हुआ कि यार ये इतना, बिकॉज काफ़ी काफ़ी डिफरेंट आपने चीज़ें की हैं इसमें, कहीं उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया कि ये? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, बल्कि ये जो चीज़ है, यानी जो मोमिना दुरैद और महेश की जो सपोर्ट है, ये यानी जो मेरे मुंह से निकलता था वो पूरा होता था। बल्कि मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि इतनी सपोर्ट नहीं मिलती यूजली, कहीं ना कहीं आके ब्रेक लग जाती है कि भाई इसको मैनेज कर लो, नहीं हो सकता। बट मैं कुछ भी कह रहा हूँ कि यार मुझे इस तरह से शूट करने हैं, वैसे शूट करने हैं। अब छोटी सी एग्जांपल है, जो दानियाल की और फलक की शादी होती है, वो सीन नहीं है, वो एक बेसिकली एक मोंटाज है। एक मोंटाज के लिए पूरा शादी का सेटअप और जिस तरह का मैं चाह रहा हूँ वो लग रहा है, तो दैट शोज़ के सपोर्ट जो है वो मिली है। तो इन्होंने बिल्कुल कभी ये नहीं कहा कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। और हर दफ़ा फिर हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मैं फिर करता रहा, तो उससे और भी ज़्यादा फिर कॉन्फिडेंस मिला कि ठीक है, इनको भी कोई एतराज़ नहीं है तो मैं कर सकता हूँ। कहानी में बहुत से मैसेजेस हैं, हर एपिसोड में लगता था मतलब मुसलसल कोई ना कोई थॉट प्रोवोकिंग बात या कोई ना कोई एक मैसेज आप दे रहे थे। ये इंटेंशन थी आपकी जब आप लिख रहे थे स्क्रिप्ट बाई स्क्रिप्ट, या ये बस हो गया बिकॉज यू आर राइटिंग और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा ये तो ये भी कम्युनिकेट हो गया, ये भी कम्युनिकेट हो गया, या ऑन पर्पज़ आपने यू हैड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स के नहीं मुझे ये बातें कम्युनिकेट करनी है? अच्छा, जब स्टोरी थी ना, सिर्फ स्टोरी बनी हुई थी, उसमें इतनी चीज़ें नहीं थी। उसमें सिर्फ मेरे दिमाग में ये था कि कैरेक्टर्स ग्रे रहें और ख्वातीन प्रोग्रेसिव रहें, दो चीज़ें मेरे दिमाग में, ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे, ये दो ऑब्जेक्टिव्स व्हिच रिफ्लेक्ट इन द ड्रामा। या तो वहाँ से शुरू हुआ था। और फिर होता ही है कि स्टोरी तो ज़ाहिर है 6-8 सफ़े पे है, आपने सीरियल तो 22-24 एपिसोड्स का बनाना है, तो अब आपने फिल करनी है बाकी चीज़ें। तो वो हर एपिसोड से पहले जो ना होता ये था कि हर एपिसोड लिखने से पहले जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो मैं कार्ड्स पे लिखता था और यूँ फ्लोर पे बिछा देता था। अच्छा, ये सीन पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। अब यूजली होता ही है कि एक एपिसोड के अंदर 22-24 सीन होते हैं, तो अब मेरे पास 17 कार्ड्स बने हुए हैं, वो 17 कार्ड्स मैंने बिछा दिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इनके बीच में फिल करना है, कौन सा सीन कहाँ आए, इसको क्या करना है। तो जब वो चीज़ बनती थी ना, तो वहाँ पे फिर आइडियाज़ और आते थे कि अच्छा हम यहाँ पे एक सीन इस तरह का ऐड कर सकते हैं जो इसको लिंक करेगा और उसमें इस किस्म की चीज़ है। और फिर उसके बाद जब पेपर पे वो लिख रहा होता था ना मैं, तो वहाँ पे फिर आइडियाज़ आते थे कि अच्छा इसको जब हमने इसको प्रोग्रेसिव दिखाना है तो हम क्या एलिमेंट्स दिखा सकते हैं, तो अच्छा इसकी जगह बन रही है यहाँ पे। लिखने के दौरान काफ़ी चीज़ें जो थीं वो ये थीं कि हम कुछ ना कुछ साथ साथ बताते रहें। तो कहानी के हद तक नहीं था इतना, लेकिन एपिसोड लिखते हुए वो चीज़ें दिमाग में आती रहीं कि हमारे पास ये कहने का मार्जिन है यहाँ पे, तो
कह देते हैं. मैं भी सीख रही हूँ. मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आपकी कि वो मुझे इंटरेस्टिंग मुझे लगा आई फील लाइक अ स्टूडेंट सिटिंग हियर. और कि आपने लिखा कि वो आपने कहा कि वो ऑब्जेक्टिव था कि वुमेन को प्रोग्रेसिव दिखाएं. फिर एवरीथिंग ट्रांसलेटेड इनटू ना फिर वो मैसेजेस खुद ब खुद आना शुरू हो गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके पास था. तो हर एपिसोड पर जैसे आपने बात की वो कि लड़कियों को घर में घर निकलने से मत बंद करो, अपने बेटों की थॉट चेंज करो, वो था. फिर ऑफकोर्स वाला का बैडमिंटन का सारा जो आपने दिखाया. अच्छा, मुझे कहीं कहीं लगता था और ऑडियंसिस ने भी ये बात हो रही थी कि हमें लगा जैसे बहुत से पॉइंट्स आपने स्टोरी में एक साथ डाल दिए. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप सॉरी विद अपॉलोजीज इफ आई मे से सो, मुझे लग रहा था जैसे आप जल्दी जल्दी ना आप कह रहे ये भी डाल लूँ, ये भी डाल लूँ, ये भी डाल लूँ. वॉज इज दिस अ टेक्निक जो आप यूज़ कर रहे थे राइटिंग में और डायरेक्शन में? जैसे आपने 96-106 सेक्शन की बात की अबाउट 92-106 की बात की अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस जब फलक जाती है लॉयर के पास. तो अगर हम उसी चीज़ को लेके, मुझे लगता है अगर ड्रामा उसी चीज़ को लेके ज़रा ज़्यादा और डिटेल में बात करता है कि ये क्या सेक्शन है, इसका क्या वो है. इसी तरह हमें और जैसे अब वो बीच में शम्स लापता जब हुआ तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था. हमें लगा शायद स्टोरी इस पे ज़्यादा फोकस करेगी. तो मुझे लग रहा था कि आप टच कर रहे हैं पॉइंट्स को एंड देन यू आर मूविंग ऑन. तो ये इसके पीछे कोई थॉट थी या क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हम उन्हीं तीन चीज़ों को पकड़ के ज़्यादा डिटेल में बात करते तो ड्रामा शायद इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता. क्योंकि ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट उठाया था ना, जैसे कि मतलब बहुत अरसे से मैंने नहीं ड्रामा देखा जिसमें ये हो कि पकड़ के ले गए वो लड़का जो है वो लापता है, उसके घर वालों को कुछ नहीं पता. अगेन दिस के ये जो कानून है पाकिस्तान में वो औरतों को ये प्रोटेक्शन देता है लेकिन उसमें ये चीज़ें हैं. तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि अ लॉट ऑफ मैसेजेस मुझे लगा स्टोरी में भरे हुए हैं और हम शायद अगर कुछ पे फोकस करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता. अच्छा, जो कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरा ये होता है कि जो डिटेल है ना वो होनी चाहिए. कभी कभी मैं कोई और स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है ना तो उसमें सिर्फ सीन लिखा हुआ होता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से ये बात करें, वो एक कैरेक्टर कैसे आया पहुँचा कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता. तो एक तो ये था कि मुझे ये था कि जो बात हो रही है वो उसमें डिटेल नज़र आए. मिसाल के तौर पे जब वो गई है लॉयर के पास और वो सेक्शन 96-106 की बात कर रहा है तो ज़ाहिर है एक तरीका ये है कि वो कह दे कि हाँ जी एक कानून है सेल्फ डिफेंस का और उसके तहत ये होता है. बट स्पेसिफिकली कहना कि वो सेक्शन 96-106 है वो मुझे था कि डिटेल थोड़ी सी ऐड हो जाएगी. अगेन वही बात है, जब आप बाकी का कॉन्टेंट देखते हैं तो वो स्पेसिफिकली डिटेल्स में बात कर रहे होते हैं. हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती, ऊपर ऊपर से कह दिया जाता है सिर्फ. तो वो शायद मेरे ख्याल है डिटेल ऐड करने के चक्कर में वो इस तरह का लगता हो कि अच्छा अगर ये नाम बकायदा लिया जा रहा है तो मे बी अब हम इसमें जाएंगे, बट वो होता नहीं है, कहानी आगे चली जाती है. तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिकली बताने के लिए कि जी ये चीज़ है वो था. और मे भी बिल्कुल सही है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इस तरह से वो भी आया ना, लेबर यूनियन का भी आया बीच में जब शम्स कारखाने में काम कर रहा होता है. हमें लगा वो स्टोरी भी आगे जाएगी लेकिन और उससे पहले वो इंस्पेक्टर की कहानी भी जो थी और बीच में वो जो हकीम साहब होते हैं झूठे वो, तो वो सारा चीज़ें जो थी. तो यही नाउ लुक बैक टू इट तो वो टच कर रहे थे आप. एंड आपकी भी बड़ी अच्छी बात आपने बोली मुझे. नाउ आपने बोला है तो मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ यू यूज्ड अ लॉट ऑफ डिटेल्स टू मेक अस अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स. बट यही बात होती है जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें समझ आती हैं जो आप लोगों ने यूज़ की भी होती हैं. गीति का कैरेक्टर जो है क्या है, कॉमिक रिलीफ है, इविल है, क्या है गीति का कैरेक्टर? किस पॉइंट से लिखा था आपने? नहीं तो ये दोनों नहीं हो सकते, नेगेटिव प्लस कॉमिक हो सकते हैं. अगर हो सकते हैं तो बस फिर तो ठीक है. आपने क्या सोचा था? नहीं, गीति का जो कैरेक्टर था दो चीज़ें थीं. एक तो ये कि नेगेटिव तो वो थोड़ा था, वो शुरू में था. जो कॉमिक वाला जो चक्कर है वो ऐड हो गया, यानी वो लिखते हुए ऐड हो गया. उसका जो उसकी जो सहेली है नसरीन वो भी एक लिखते हुए ख्याल आया कि अच्छा इसको जो है ना इसका जो कैरेक्टर है उसको दिखाने के लिए कि बस एक वो है जो अपनी ज़ात में वो समझती है कि मैं बहुत हूँ लेकिन ज़ाहिर है उस तरह से नहीं है. अच्छा लेकिन वो कैसे प्रूव करे, तो एक छोटा है जिस पे उसका जोर निकल रहा है वो नसरीन के ऊपर अपना सारा.
जिता रही है। तो स्टार्ट तो ये हुआ था एज नेगेटिव कि ज़रा सा ये नेगेटिव रहेगी, यानी प्योरली नेगेटिव नहीं बट उस तरह से ज़रा। एंड देन फिर कॉमिक जो है वो उसका एड होता गया कि चूँकि वो एक इस तरह से इस नेचर की लड़की है तो इस तरह की वो बात कर सकती है, कहीं कहीं भी जैसे आपको ये नहीं होता था कि अच्छा नहीं फलक ऐसी बात नहीं करेगी, फलक का ये मिजाज नहीं है, तो ये गेती कर सकती है तो ठीक है वो एक बात बोले। तो पहला जब एपिसोड लिखा था ना, यानी थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा सा मैं अनक्लियर था कि किस तरह से इसका कैरेक्टर होगा, लेकिन जब पहला एपिसोड लिखा ना तो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग क्लियर हो गया, अच्छा ये गेती है, ठीक है अब हम इसी को आगे चलाएंगे। तो ये है कि वो नेगेटिव भी है और वो थोड़ा कॉमिक भी है, दोनों ही हैं। ये कंसर्न था कि उसको आपने टिकटॉकर दिखाया है, ऑलरेडी टिकटॉकर्स बहुत नेगेटिविटी फील करते हैं, अब हम एक टिकटॉकर को ले रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हम उस टॉपिक की बात करें जो यूथ जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बिकॉज ये ड्रामा यूथ के बहुत से इशूज़ और बहुत सी उनको बहुत आई फील के कनेक्ट कर रहा था। लेकिन ये कंसर्न था कि फिर हम नेगेटिव दिखा रहे हैं तो ऑलरेडी एक ब्रांच जो है वो फेस करिए नेगेटिविटी, तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, ठप्पा लग जाएगा कि हाँ देखो टिकटॉकर है तो वो तो ऐसी हरकतें करती है, वो तो ऐसी गलत चीज़ ही करी है। ये कहीं आपके जहन में आया था, कंसर्न था? अच्छा, इसका जो है जब आयदा से डिस्कशन हुई थी ना कैरेक्टर पे, तो ये चीज़ हुआ था कि कहीं ये ना हो कि जी हम उनको बहुत ही नेगेटिव दिखा रहे हैं या हम उनको इस तरह से बैड लाइट में पोर्ट्रे कर रहे हैं। जो गेती का कैरेक्टर है, देखें इसमें ये नहीं है कि बस कैरेक्टर लिख दिया था, एंड थोड़ी बहुत रिसर्च थी कि टिकटॉकर्स जो हैं उनका जो एक पब्लिक प्रोफाइल है वो क्या है, किस तरह का है। जो गेती का कैरेक्टर है वो काफ़ी हद तक जब मैंने लिख लिया था तो इत्तेफाक ऐसा कि एक पाकिस्तानी टिकटॉकर मुझे नज़र आई जो मुझे लगा अच्छा ये गेती टाइप ये हैं। मैंने आयज़ा को भी भेजा कि मुझे लगता है कि गेती इस तरह की है। आयज़ा की ठीक ठाक रिसर्च थी टिकटॉक स्टार्स जितने हैं पाकिस्तान के इंडिया के, आयज़ा ने तो यानी अगर आप देखें तो मेरे से ज़्यादा रिसर्च आयज़ा की थी इस कैरेक्टर के ऊपर। तो उसमें ये था कि हम जो देखिए मेरा जैसा बंदा टिकटॉक नहीं बनाएगा, यानी आई डोंट नो मैं आपको कैसा लगता हूँ लेकिन मेरे जैसा बंदा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसे लग रहे हैं। तो मेरे जैसा टिकटॉक उस तरह की चीज़ें नहीं बनाएगा। वो गेती का ही कैरेक्टर है कि वो जैसे फलक का कैरेक्टर है, वो टिकटॉक नहीं बनाएगी, गेती की वो पर्सनैलिटी है कि वो टिकटॉक में कूदेगी। तो वो ये था कि वो एक ग्रे कैरेक्टर है और वो टिकटॉक भी बना रहा है, वो पर्सनैलिटी उसकी ऐसी है कि वो टिकटॉक्स बनाएगी। और उसको भी थोड़ा सा इसी तरह से काउंटर किया गया कि जो अब जो इसका कंक्लूजन है इस कैरेक्टर का, तो ज़ाहिर है वो ज़रा आगे वो जो सीन है कि मैंने ऑडिशन देना है, मैं हीरोइन बनूँगी, तो यही है कि किसी किस्म का प्रोग्रेशन तो हो उसके कैरेक्टर में। तो वो प्रोग्रेसिव इस तरह से भी है कि वो आप उसको जितना भी कह लें वो लाउड है, वो बदतमीज़ है, वो है, बट एक तो ये कि वो प्रोग्रेसिव हमने रखी। देन ये कि उसकी नेचर समझें कि वो उसकी नेचर क्या है, यानी वो इसलिए ऐसी नहीं है कि वो टिकटॉक स्टार है, वो टिकटॉक स्टार इसलिए है कि वो ऐसी है, उसकी नेचर ऐसी है। ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात छोड़ दी है और थोड़ी सी ओके वो जो सीन था जिसमें वो दुकानदार को ब्लैकमेल करती है, वो आपको अंदाज़ा था कि इस पर ये रिएक्शन आएगा या वो हो गया, फिर आप लोगों को रियलाइज़ हुआ कि शायद ये इस तरह नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन आई ड्रामे में वो इतनी सॉलिड एक्सप्लेनेशन लग नहीं रही थी उसकी। अच्छा, ये ज़ाहिर है बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से होगा। मतलब जब ये हुआ था तो मैंने एक पोस्ट निकाली थी और मैंने ये बात बोली भी थी कि कभी कभी हम लोग कुछ पहले होती थी चीज़ें इतनी कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी, अब तो कोई भी चीज़ों ना तो इंक्लूडिंग अस एंड ऑडियंस एवरीबडी जंप्स ऑन, वो नोट करते हैं। अब हम वो बातें नहीं कर सकते जो आज से हम 10 साल पहले जब इंस्टाग्राम या ट्विटर या सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था जो हम कर सकते थे। अब हम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल इन व्हाट वी से। तो मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं वो रियलाइज़ नहीं होता, हमने जानबूझ के नहीं की होती हैं, नेगेटिव उसको नहीं प्रोट्रे करना होता है। मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शायद यही थॉट प्रोसेस चल रहा था वहाँ पर, या ये वो था सीन और फिर उसको आपने बाद में उसी तरह काउंटर एक्ट करना था? अच्छा, वैसे मेरा एक्सपीरियंस अब ये है जो मुझे अब लगा लापता के बाद कि जो
वर्डिक्ट है ना वो बड़ी जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है. एपिसोड खत्म होता है वर्डिक्ट आ जाता है. दैट्स वेरी स्केरी फॉर यू गाइस. आई नो. देखें फिल्म तो ये है नहीं कि दो घंटे में आपको जवाब मिल गए सारे सवालों के, ना ये सीरीज़ है कि आप देखे जा रहे हैं एपिसोड पे एपिसोड और दो दिन में आपको सब पता चल गया. सीरियल है, 3 महीने चलता है, 4 महीने चलता है. कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अभी बताएं, कुछ आगे जाके बताएं. ये जो था सीन इसका भी यही था कि इसके आगे जाके वो माफ़ी मांग रही है उससे. चूँकि उसकी नेचर इस तरह की थी कि वो हमेशा, वो सेल्फिश कैरेक्टर है, वो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है, इस वजह से उसने वहाँ पे भी इस किस्म की हरकत की है. और चूँकि उसने आगे माफ़ी मांगी थी तो इसलिए हमें परेशानी नहीं थी कि ठीक है उसने गलत हरकत ज़रूर की है बट वो माफ़ी भी मांग रही है उससे. अब मसला ये था कि ये पहले एपिसोड में आया सीन, वो शायद 5वें में था. हाँ, वो दो तीन के बाद आया था, बाद में आया था. तो वो उस दौरान में जो है ना वो शोर मचना शुरू हो गया. पहले मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ बता दूं कि भाई तसल्ली रखें, आ रहा है सीन, दूसरा आ रहा है. बट देन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, मेरे ख्याल से जब सीन आएगा सबको खुद ही पता चल जाएगा. तो इस वजह से ये मेरे ख्याल से इस वाक़े के बाद केयरफुल मैं इस तरह से हूँ कि अगर इससे मिलती जुलती कोई चीज़ आए उसका जवाब भी उसी एपिसोड में आ जाए आगे ना आए. लेकिन आपको ये ख्याल आया था जब आप लोग लिख रहे थे और शूट कर रहे थे, जो कॉन्वर्सेशन उस वक्त हो रही थी वो ये कि आप लोग री इन्फोर्स कर रहे हैं नेगेटिव ये इस बात को कि हाँ इट इज़ ओके कि आप अगर कोई इन्फ्लुएंसर हैं या कोई पर्सनालिटी हैं या कोई पावरफुल इंसान है तो अपनी पावर को, अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करें किसी को नेगेटिव उसमें करने के लिए. आप इस बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं, ये जहन में आया था उस वक्त आपके, मतलब आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा था कि ये चीज़ हो जाएगी या इस एंगल की तरफ आप लोगों ने नहीं सोचा था? इसमें यह है कि एक तो जो ये वाली बात है ना कि जब पावर आपके पास होती है, ये ज़ाहिर है सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है. आप हमारी सोसाइटी में देख लें, जिसके पास पावर है वो उसका बेजा इस्तेमाल ज़रूर करता है. जिस लेवल पे हो और जितनी उसकी पहुंच है वो उतना करेगा. तो वही चीज़ इसमें भी थी कि सिंस गेती इसी सोसाइटी का हिस्सा है, उसके पास जितनी भी पावर है, अगर वो टिकटॉक तक की पावर है तो वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल करेगी. मिसाल के तौर पर जो इंस्पेक्टर है उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इंस्पेक्टर है. अच्छा, उसको तो हम कर रहे थे. उसको अगर आप ज़्यादा बहुत अच्छा दिखा देते तो फिर शायद हमें मसला होता. आप लोगों के लिए ज़िंदगी हमने थोड़ी मुश्किल बनाई हुई है राइटर्स डायरेक्टर्स के लिए. ये है वैसे कि जो है ना फॉरन से आ जाते हैं ना, कभी कभार होता है कि यार थोड़ा सा वेट कर लेना, अगले एपिसोड में आ जाएगा ना जवाब. हम दूसरे दिन रिव्यू निकालते हैं सुबह सुबह और लोग भी वेट कर रहे होते हैं, लोगों की भी कॉन्वर्सेशन चल रही है. वही यही मैंने इसमें रियलाइज किया है कि ना ठक से बस इधर एपिसोड ख़त्म नहीं आके उधर सब कमेंट्स आ गए और सब हो गया. मेरे ख्याल से वो मिजाज अब चेंज होता जा रहा है कि 24 एपिसोड तक इंतजार नहीं करना, अभी बताएं क्या है. और स्पेशली इतनी सेंसिटिव अगर कोई चीज़ हो, पर देखिए फिर दानियाल की दफ़ा भी कितनी तारीफें हुई ना, दानियाल की दफ़ा तो वो भी हुआ, फिर वो भी अच्छी चीज़ हुई दानियाल का. हाँ वो भी अच्छा, अगेन वही कि उसको भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा. अच्छा, और मेरा ख्याल ये था कि ये टीवी पे चीज़ होती होगी कि अगर औरत पे जुल्म हो रहा है तो उसने भी आगे से, लेकिन जब ये ऑन एयर हुआ और इस किस्म का रिस्पांस आना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं है. ये तो बहुत अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता सीरियल्स के अंदर. तो हाँ, कुछ चीज़ें थीं जो समझ आ गईं, कुछ चीज़ें थीं जिन पर प्रॉब्लम खड़ा हो गया था. बट ये शुक्र है फिर भी कि कुछ ना कुछ सही ही रहा, सही डायरेक्शन में ही रहा. मैं आपसे ये सवाल पूछूं क्योंकि यू सीम टू बी, मतलब आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं. और आपके ड्रामे के दो ऑब्जेक्टिव्स में से एक था प्रोग्रेसिव वुमेन को दिखाना, तो उम्मीद नज़र आ रही है मुझे आपके साथ बहुत सी. थप्पड़ वायलेंस पे हमेशा हमें इश्यू होता है कि हम क्यों दिखाते हैं स्पेशली मर्द का औरत को मारना. जो दानियाल और फलक वाला सीन था, ठीक है उसमें दानियाल ने मारा, फलक ने जवाब दिया, वो तो ड्रामा था, वो कंट्रोल हो गया और लोगों ने बहुत किया कि हाँ फलक को, मतलब दो ग्रुप्स थे, कुछ ने कहा कि बहुत अच्छा दिखाया, कुछ ने कहा कि नहीं दिखाना चाहिए था. सो एक कंसर्न ये भी था कि
अगर हम ये प्रमोट कर रहे हैं वायलेंस वर्सेस वायलेंस, तो ये कहाँ जाके रुकता है? और यहाँ तो दानियाल रुक गया. एक्चुअली में अगर हम इस चीज़ को लोगों के जहन में डालेंगे तो जवाब में तो उस औरत की धुनाई हो जाएगी. वहाँ तो नहीं रुकेगा जिसको जब ऐसे मारा जाएगा. ये अब आप इफ़ यू लुक बैक नाउ, आप सोचते हैं इन चीज़ों को, आपको ख्याल आ रहा है कि हाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता था. और गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे आपके प्रोजेक्ट्स में थप्पड़ को और दोबारा या आप सोच रहे हैं आपके शायद उसको अवॉइड करना चाहिए. मतलब ये भी हो सकता था ना, उसको धक्का दे ज़ोर से, या वो भी जवाब में उसको धक्का दे देती. थप्पड़, सी आई फील जब थप्पड़ लगता है ना, वो बेइज्जती का एक अलहदा एक वो लेवल होता है. वो चाहे औरत मर्द को मार रही हो, या मर्द औरत को, या मर्द मर्द को ही मार रहा हो, उसकी जो बेइज्जती का एहसास होता है वो अलहदा है. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि, और ये प्रमोट नहीं करना चाह रहे हम लोग, इंडोर्स नहीं करना चाह रहे. सो हम कह रहे हैं कि इसको थोड़ा ड्रामों में कम किया जाए. सो आपको इस सारी कॉन्वर्सेशन के बाद लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड विल यू ब्रिंग एनी चेंज? अच्छा, कोशिश, ये जो लास्ट पार्ट है तो ये तो मेरी कोशिश होगी कि हम वायलेंस वाला पार्ट उस तरह से ना रखें. ऑल दो कुछ स्टोरीज होती हैं विच आर बेस्ड ऑन वायलेंस. या फॉर एग्जांपल ये गैंग की स्टोरी है, तो उसमें तो अगर आप दिखाएंगे कि वो नहीं मार में, क्योंकि किस किस्म का गैंग दिखाया है. एक पुलिस वर्सेस चोर की फाइट दिखा रहे हैं आप, तो आई वुड से कि नहीं यार, वो अब ये थोड़ी हो सकता है वो दूसरे को मुस्कुरा के बोल रहे हैं मैं तुम्हें मारूंगा, तुम ये वो, यू नो, उसमें तो आप दिखाएंगे एक फाइट सीन दिखाएंगे, बट ये एक डिफरेंट सिचुएशन थी. अच्छा, इसमें अगेन वही जैसे आपने कहा ना कि जब थप्पड़ पड़ता है तो उसका उसकी बेइज्जती बिल्कुल एक अलहदा से फील होती है. अब जो फलक का कैरेक्टर है, जिस तरह का वो प्रोग्रेसिव है, तो उसको मेरा ख्याल है कि शायद थप्पड़ इसलिए लिखा के वही बात कि वो जो जिस तरह की उसकी बेइज्जती होगी, उसने तो ये चीज़ कभी नहीं देखी, जिस तरह से उसको पेरेंट्स ने रखा, जिस तरह से अपने घर में रही, तो वो जो चीज़ें एस्केलेट करनी थी बिटवीन दानियाल एंड फलक, तो उसको इस एक पॉइंट पे लेके जाना था कि वो वहाँ से फिर टूटना शुरू हो जाए. जो भी उनके दरमियान हो रहा है, तो वही बात है कि जो थप्पड़ की जो बेइज्जती है, वो मुझे ऐसा लगा कि ये इस सिचुएशन में जस्टिफाइड है. और बट फिर उसको काउंटर करने के लिए इसीलिए फिर ये भी उसमें ऐड किया कि जवाब में फलक भी इसको थप्पड़ मारेगी. इन नो वे आई एम सेइंग कि ऐसा यानी ड्रामों में थप्पड़ दिखाने चाहिए और होना चाहिए, बट ये एक जो सिचुएशन थी, एक तो ये उसके हिसाब से बनाया था इसको. लेकिन जो दूसरी चीज़, जब ये सीन हिट हुआ और मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने यही बात की कि जी अगर ये रियल सिचुएशन होती तो जवाब में जो है आदमी वो फिर और मारता उसको, मे बी बिल्कुल ठीक है, बट अब हम फिर डिबेट स्टार्ट कैसे करें फिर? क्या फिर औरत पिटती रहेगी घर में? फिर तो हम कहते हैं कि चूंकि मर्द आगे से दोबारा हाथ उठाएगा, तो चलो फिर बेटा तुम खामोश रहो, तुम मार उसकी सह लो, कहीं से तो कुछ तो स्टार्ट हो. इंटरेस्टिंग पॉइंट, गुड. अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए शायद कभी कभी ये चीज़ें दिखानी पड़े. कभी कभी. ओके, आयजा अली रहमान, गौहर, सारा, इनके साथ काम करना कैसा था? कोई एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर सकते हैं? मैं इतना शुक्र अदा करता हूँ कि कास्ट और क्रू दोनों बड़े अच्छे मिले. ज़ाहिर है थोड़ा सा डर होता है कि पहली दफ़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्टर्स मेरी कितनी सुने ना सुने. मैं पूछना चाह रही थी, मैंने कहा ऐसा नहीं कर लगे क्या बोले, मैं पहले DOP भी रह चुका हूँ, मैं ये भी कर चुका हूँ, तो अब आप मुझसे पूछ रही हैं. मुझे वो सवाल था पहली शूट पहले सीन पे थोड़ा सा हो रहा था यार कि कैसा जाएगा, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे. मुझे तो हर इंटरव्यू से पहले होता है कि अल्लाह ताला इंटरव्यू अच्छा हो जाए, सही हो जाए. नहीं, इसमें ये था कि अली के साथ थोड़ी मेरी दोस्ती थी. आयजा के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था मेरे ख्याल से 2014 में, SDOP में उस पर था, तो आयजा से भी जान पहचान थी. सहारा से मेरी कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई, गौहर से कभी मुलाकात नहीं हुई. अच्छा, जो पहला दिन था शूट का वो था सहारा का और अली का, तो अली के साथ तो फिर भी ज़्यादा मैं ज़्यादा कंफर्टेबल था. सारा के साथ चूँकि मुलाकात नहीं हुई थी मेरी, तो इस वजह से थोड़ा सा
मैं भी फूंक फूंक के कदम रख रहा था कि कुछ बात बुरी ना लगे, बट ज़ाहिर है सारा इतनी स्वीट अली जो है वो, तो कभी ये नहीं हुआ इन्होंने कभी इस तरह कोई महसूस नहीं होने दिया किसी ने भी कास्ट में कि भाई हमें ज़्यादा पता है तुम पहली दफ़ा डायरेक्शन कर रहे हो, कर रहे होगे लेकिन हम हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। दैट्स वेरी नाइस, मैं इस बात का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत सपोर्ट, बल्कि जितने भी ये एक्टर्स हैं टेक के बाद जो है पूछना कि सही था दोबारा तो नहीं करना, तो बहुत जो है ना वो अच्छा मुझे भी इसलिए मज़ा आया कि बाज़ औक़ात कुछ एक्टर्स होते हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट देखा अच्छा ये करना है, वो आए उन्होंने किया वो चले गए, ये वो लोग थे जो हर टेक के बाद बार बार पूछते थे कि ये सही हो गया नहीं हुआ, सीन से पहले भी अच्छा इसमें ये लिखा है तो हम इसको कैसे करें, अच्छा इसको हम ऐसे कर सकते हैं इसको वैसे कर सकते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है आपको कि आप मिलके एक सीन बना रहे हैं, वो डेडिकेशन भी लगती है ना दोनों तरफ से, तो बहुत जो है वो आयजा का अगर आप देखें उसने प्री प्रोडक्शन पे इतनी मेहनत की, उसके 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 कपड़े हो गए उसके प्रॉप्स सो मच सो कि उसका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी केसिंग के पीछे गेती प्रिंसेस लिखा होता था, तो मैं हैरान था कि अच्छा इतनी तैयारी से आई है, सारा का अली जो है अली ने इतनी मेहनत की, अली बार बार पूछता था कि सही हो गया ना जैसा तुम चाह रहे हो वैसा हुआ ना, मैं कर सकता हूँ दोबारा, और ये तो गोहर गोहर जो है सम हाउ गोहर और मेरी मेरे ख्याल से वेव लेंथ मिल गई थी, गोहर फौरन समझ जाता था क्या करना है, और बहुत सारे सीन्स होते थे जहाँ पे डिस्कशन हमारी हो रही होती थी एंड देन फिर जब वो होता था तो वो बिल्कुल ऑन पॉइंट होता था कि तो मैं यानी जितना भी शुक्र अदा करूँ काम है कि ये लोग सारे ये हो गए, प्लस बाकी जो माँ बाप की कास्ट थी वो फरियाल उसका हस्बैंड नसरीन गे और ये नसरीन तो बहुत ही मज़े का कितने मज़े का कैरेक्टर वो निकल आया उसके बाद एंड वी बिकम सो फॉन्ड ऑफ हर एज अ कैरेक्टर यू नो, सो नसरीन ने बहुत ज़बरदस्त किया, मैं यानी जिस तरह मैं चाह रहा था उससे बेहतर अनाया ने किया, तो लेकिन जितनी भी कास्ट थी सब ने सबकी सपोर्ट और यानी मेरे ख्याल से ये चूँकि पहला प्रोजेक्ट है तो याद तो रहेगा लेकिन इस वजह से भी मुझे याद रहेगा कि बहुत आराम से काम हुआ। ये आइडिया की गीती जो है वो ये सब इतनी फेमस सॉन्ग्स और उन सबको करेगी और लुक्स करेंगी और वो एक बड़ा कॉन्वर्सेशन का पॉइंट भी चला, वो स्क्रिप्ट में आपने डाला था, ये आयजा का आइडिया था, कैसे आया ये? सिर्फ एक या दो जगह स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि वो टिकटॉक वीडियोस बना रही है, वो क्या बना रही है एक्चुअली वो नहीं लिखा हुआ था, ये सब आयजा का था कि क्या कॉस्ट्यूम्स होंगे, क्या क्या मैं करूँगी, किस किस्म की टिकटॉक वीडियोस होंगी, उसने सारे रेफरेंसेस निकाले, वही मैं कह रहा हूँ कि जितनी आयजा ने इस कैरेक्टर पर मेहनत की है जो जो पेज पर था उससे 10 गुना बेहतर उसने परफॉर्म किया है, तो ये क्रेडिट गोज टू आयजा, क्योंकि आपने लिखा खुद है और डायरेक्ट खुद किया है तो उसी तरह आया जैसे आप लिख रहे थे सोचते हुए, ये मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी थी क्योंकि यूजुअली होता है ना राइटर्स डायरेक्टर्स को दे देते हैं तो कभी कभी वो चीज़ जो राइटर ने इमेजिन की होती है कभी हो जाती है कभी नहीं होती, कभी उससे भी बेहतर होती है, बिकॉज यहाँ तो दोनों चीज़ें आप कर रहे थे, इज़ इट हाउ द फाइनल आउटकम वो वैसे ही है जैसे आपने विजुअलाइज किया हुआ था लिखते हुए उसको? अच्छा जो मैं रिस्पॉन्स देखूँ जो आया था तो फिर तो मेरे ख्याल से जो सोचा था वो हो गया वैसा बन गया, लेकिन यह है कि लिखते हुए जो है ना मैंने कोशिश ये की थी कि मैं डायरेक्टर बन के ना लिखूं, मैं राइटर बन के लिखूं, यानी मैं बाज़ों का स्क्रिप्ट में होता है ना आप डायरेक्शन भी साथ लिख देते हैं, आपको पता है ये तो मैंने करना है तो मैं अपने लिए डायरेक्शन लिख रहा हूं, तो वो नहीं किया, एज अ राइटर क्या होना चाहिए स्क्रिप्ट में वो ही लिखा, और फिर जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तो फिर मैंने ये नहीं देखा कि मैंने लिखा क्या है, इसकी सेंस बन रही है या नहीं, काफ़ी सारे सीन्स हैं जो हमने सेट के ऊपर छोटे ही कर दिए, काट दिए, लाइन डिलीट कर दी कि नहीं ये लिखते हुए तो लग रहा था कि ये सही है लेकिन अब बोलते हुए ना एक्टर ये सही नहीं लग रहा, एडिट के ऊपर काफ़ी सीन हमने काटे छोटे किए कि नहीं इससे पेस थोड़ा स्लो हो रहा है तो हम सीन को डिलीट कर देते हैं या इसको छोटा कर देते हैं, तो वो ये था कि ये मैंने नहीं सोचा कि एज अ राइटर मैंने ये लिखा था तो मैं इसी को बनाऊं, एज अ डायरेक्टर जब मुझे लग रहा था कि सही है तो उसी को फिर किया जाए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड
क्योंकि लिखा आपने एंड गोइंग फॉरवर्ड होपफुली हम आपको डायरेक्शन में ही ज़्यादा देख रहे होंगे, बट वी वुड लाइक टू राइट, वी वुड लाइक यू टू राइट ऑल्सो. तो एज अ डायरेक्टर आपने क्या एक चीज़ लर्न की होगी जो अब अपने फ्यूचर में अपने राइटर्स की तरफ आप ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे उस चीज़ में, क्योंकि जब आप खुद इस प्रोसेस से गुजरते हैं ना कुछ तो आपको हुआ होगा कि हाँ राइटर इस पॉइंट से आ रहा होता है लेकिन ये नहीं है, या राइटर इस पॉइंट से आया था तो मुझे ऐसे हैंडल करना चाहिए. कोई ऐसी इनसाइट आई है आपके? थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें समझ आई हैं कि स्क्रिप्ट में जैसे इसी दौरान जिन चीज़ों पर रिस्पॉन्स आ रहा था अच्छा, कुछ चीज़ें जो जैसे अगर लोगों को नहीं समझ आई जो किसी ने भी नोटिस नहीं की डिटेल, I would like to know क्या चीज़ हमने डिटेल नोटिस नहीं की, दो बता दें. खैर कोई इतनी बड़ी डिटेल भी नहीं है लेकिन मुझे लगता है आपको अफसोस तो हुआ कि हमने नोटिस नहीं किया. अच्छा अगेन वही कि मैंने रिव्यूज फॉलो नहीं किए, क्या पता किसी ने ये बोल दिया. चलिए बता दें, मैं आपको बता देती हूँ. एक तो ये कि थोड़ी बहुत स्टोरी इनके नामों में छुपी हुई थी, चारों कैरेक्टर्स के जो नाम हैं वो तो लोगों ने किया. अच्छा लोगों ने किया वो, हम रिव्यूज क्या वो ऑडियंस ने जाके, अगर आप यूट्यूब अगेन आपने कहा नहीं थे, अगर आप यूट्यूब के कॉमेंट्स के नीचे जाएं तो लोगों ने लिखा हुआ है चारों. अच्छा गुड. अच्छा. तो एक तो वो था, प्लस थोड़ी सी कह लें कि स्टोरी हमने सीरियल के पहले सीन में कह लें कि बता दी थी थ्रू द ड्रेसेस कलर्स उनके. शाम्स ने ब्लू पहना हुआ था, इसने फलक ने येलो पहना हुआ था एंड गीती ने रेड पहना हुआ था. तो जाहिर है वो फलक की और शाम्स का चूँकि था तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स उनको पहनाए थे और बिल्कुल ऑपोजिट रेड इसने पहना था. और यही कलर्स स्पॉइलर कह लें कि सीरियल के सबसे आखिरी सीन में भी इन तीनों ने यही कलर्स पहने हुए इसी उसमें, तो इससे हिंट मिल जाना चाहिए कि एंडिंग क्या है कहानी की. आई एम, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आपने इतनी डिटेल्स देखी और इतनी मतलब इतनी चीज़ों को सोचा और उनको इनकॉर्पोरेट किया. रियली आई एम इम्प्रेस्ड, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सुन के ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने नहीं किया था. अब मैं और भी गौर से देखूँगा. अब किसी ने नहीं भी किया होगा तो मैं कहूँगी नहीं नहीं शायद उन्होंने भी ये कपड़े का कलर इसीलिए किया हुआ है. एक जैसे मेरे ख्याल से वो एक, एक जब ये लापता शाम्स हो रहा होता है उससे पिछली रात जब फलक और शम्स आखिर में थे तो उसमें चांद ग्रहण पीछे दिखाया था, तो वो भी एक तरह का था कि जी ये अलग हो जाएंगे इसके बाद. ओके, वी डिड, आई डिड नॉट नोटिस दैट. बट अब मैं आपके प्रोजेक्ट पे तो मैं पूरी स्क्रीन को ऐसे वॉर से माइक्रोस्कोप से देखा करूँगी किधर क्या. असल में एडवांटेज वही था कि लिख मैं खुद रहा था तो वो मैंने उसमें वो चीज़ें आसानी से ऐड कर ली. लेट्स सी कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कितने हिंट दे सकेंगे हम. शम्स और फलक का रोमांस, वो भी बड़ी, उनकी केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी और मुझे लगा आपने थोड़ा सा पुश किया है बाउंड्रीज को. अच्छा ये वैसे जाहिर है सरप्राइज तो थोड़ा सा मुझे भी मिला कि जब मैंने इनको देखा कि इनकी जो केमिस्ट्री है एडिट के ऊपर मैं देख रहा था तो था कि जना ये लोग अच्छे लग रहे हैं. और शुक्र है कि जब वो ऑन एयर गया तब लोगों ने भी यही कहा कि ये दोनों जो हैं, बल्कि जो एक सीन था उपटन का एक सीन था जिसमें उपटन लगा रहा तो जब वो सीन हमने करना था तो मैंने इन दोनों को बताया कि यार मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ तो हम इस तरह का करते हैं सीन. और जब हमने वो टेक शुरू की तो ये जो आपने जो टेक देखी ये पहली ही टेक थी, ये कोई दूसरी तीसरी नहीं थी कि अच्छा थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा. ऐसे ही ना जब हो गया और हम अब शुरू करने ही वाले थे टेक तो मैंने वैसे ही मॉनिटर की तरफ जाते हुए कह दिया कि जब तक मुझे मेरे मतलब की टेक नहीं मिलेगी रीटेक्स होती रहेंगी. अच्छा. मैंने ऐसे बोल दिया. वो मेरे ख्याल से सारा और अली ने कहा होगा अच्छा अब तुम देखो, देखो. अब तुम हम दिखाते हैं हम तुम. तो वो पहली ही टेक थी जो इतनी ज़बरदस्त थी और मैंने कहा बस ये तो मिल गई हो गया. यस इट वाज सो पावरफुल, बहुत अच्छा. तो और हमने सारा खान को बड़ी डिफरेंट उस वक्त एक कैरेक्टर में देखा ना, वो बड़ा सेफ खेल रही होती हैं उधर से. उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकल के किया था. हम लोग तो टीजर देखे हमने कहा वाओ अच्छा ये दिस इज़ वेरी डिफरेंट यू नो. नहीं नहीं सारा जो है ना वो मेरे ख्याल से उनको इस किस्म के रोल्स करने चाहिए, वो बड़ी बाउंड्रीज पुश कर सकती हैं. वो मुझे थोड़ा सा झलक नज़र आ गई थी कि ये जो है ना बाजू का ऐसा भी होता है कि आप सेट पे जब शूट कर रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि ठीक है चलो एडिट में हम इसको जोड़ लेंगे
और वो सीन्स जब मैं एडिट पे देख रहा था तो सारा क्या ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस वक्त आपको नज़र नहीं आती, तो सारा जो है ना उसका ये है कि वो ना एडिट पे नज़र आता है कि ओ उसने एक तो ये बीच में एक्सप्रेशन दिया था। तो इस किस्म के कुछ एक्टर्स होते हैं जो ना उस वक्त सेट पे आपको लगता है कि नहीं उस तरह से है, लेकिन आप फिर एडिट पे जब देखते हो ना आपको लगता है कि नहीं भाई वो उन्होंने किया था ये, तो आपने नहीं देखा लेकिन एडिट पे हो रहा था। वो सीन भी जिसमें शम्स दीवार के साथ उसको लगा के बहुत गरीब आता है, दैट आल्सो। सो ये जहन में था कि मैं इस तरह रोमांस को प्रोजेक्ट करूँगा, या ये उन्होंने उसी वक्त कर ली? नहीं, ये चीज़ें थीं स्क्रिप्ट में, उसी तरह से ये लिखा हुआ है। बल्कि जब इसके टीज़र्स वगैरह आए तो मुझे जो हैं मोमिना दुरेद, उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि तुम लव स्टोरी ज़्यादा अच्छी बना सकते हो। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो जो रोमांस की इंटेंसिटी थी ना विदाउट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, वो नज़र आ रही थी, वो केमिस्ट्री, वो फ्रिक्शन दोनों के दरमियान वो हमें नज़र आ रही थी, तो इसलिए भी मैं ये सवाल आपसे कर रही थी कि नहीं। हाँ, मुझे था कि जिस तरह का हम टीवी ड्रामों में रोमांस हमें नज़र आता है वो बेचारा सीधा सीधा सही होता है, शरीफ सा रोमांस, थोड़ा सा टेढ़ा था, थोड़ा सा टेढ़ा था अगर हम इसको ऐसे कर लेना तो शायद ये ड्रामे का नाम टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए था ड्रामे का नाम, क्योंकि हर चीज ही आपने घुमा फिरा के, नहीं टेढ़ा मेढ़ा तो बहुत रॉ है, उसका कोई बेहतर उर्दू वर्ड हम ढूंढ सकते हैं? आई एम जस्ट जोकिंग, हम इतनी सीरियस बात कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा मजाक भी कर लें। बट बहुत मज़ा आया ड्रामा देख के। आप किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं? नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है? नया प्रोजेक्ट जो है वो अभी बस नवंबर के फर्स्ट सेकेंड डेट में हो जाएगा स्टार्ट, उसी की तैयारी चल रही है। एंड होपफुली वो इससे तो खैर बिल्कुल ही डिफरेंट है लापता से, वो खैर सबसे ही डिफरेंट है, जो आप कंटेंट टीवी पे देख रहे हैं उनसे तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ज़ाहिर है उसको करने का भी यही रीज़न है कि वो डिफरेंट है। लिखा आपने? नहीं मैंने नहीं लिखा, वो अभी जैसे ही उसका शूट स्टार्ट होगा तो वो अनाउंस हो जाएगा प्रोजेक्ट, तब आपको पता चल जाएगा कि किसने लिखा। हमें ऑफ कैमरा बता दिया गया था कि अभी ज़्यादा नहीं डिटेल्स हम बता सकते, बट हमने कहा हम आपके फैंस को, व्यूअर्स को ये और लापता के फैंस को उम्मीद दिला दें कि एक और प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आने वाला है जो बड़ा डिफरेंट सा होगा। लेकिन अब आपने अपने आप को ना बड़ी मुश्किल में डाल लिया है क्योंकि आपने बोला डिफरेंट और पहले नहीं, तब हम हमेशा अच्छा। आपको पता है ना जब यहाँ आ जाते हैं तो फिर हम लोग भी नहीं, बट हम इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इन्होंने ऐसा क्यों किया। आपने अपने आप को काफ़ी मुश्किल में फंसा के जा रहे, बट ग्रेट टू नो कि एक और प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो गया है एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट। अब उम्मीदें बड़ी ज़्यादा हैं हमें, जैसे आएगा फ्लैश करेगा तो हम लाइक ओह यस ये आने वाला है। मेरा ख्याल है फिर तो एपिसोड खत्म भी नहीं होगा कि वर्डिक्ट आ जाएगा पहली ब्रेक में, शायद व्हाट्सएप पे आ जाए आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड मुझे तो एक्चुअली लगा मैं आज काफ़ी मैंने सीखा, काफ़ी कुछ समझा दूसरी साइड का भी ना, बिहाइंड द कैमराज क्या होता है और कितनी सोच और कितनी यू नो क्रिएटिविटी आप लोग डाल रहे हैं, एंड इट्स रियली नाइस एंड उम्मीद है फिर हमें कि हम देखते रहेंगे अच्छा कॉन्टेंट। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कॉन्टेंट इम्प्रूव हो, डिफरेंट चीज़ें नज़र आएँ। इतने जो ड्रामास चल रहे हैं उनके बीच में एक आधी तो आ ही सकती है इस किस्म की डिफरेंट चीज़, ऐसे बहुत से होने चाहिए उनके बीच में कोई एक आधा, इट शुड बी द रिवर्स, बट चलें स्टार्ट तो हुआ ना, एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ। टेक केयर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।